बहुत मेहनत के बाद हमने खोज ही लिया कि फलना ढेकना को इंग्लिश में ईटीसी कहते हैं। समझ गए ना? अभी समझ लीजिए यार। आपको क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है और वो बैंक में काम करती है। मैंने उससे पूछा कौन से बैंक में काम करती हो, तो उसने मुझसे कहा पावर बैंक। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यार किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने तो बस ऊपर वाले से 2 संडे मांगे थे एक हफ्ते में, भगवान ने हर दिन को संडे ही बना दिया। दोस्तों एक बात सोचिए, इस कोरोना के महामारी में एक गरीब अपनी 5 रुपए की चाय नहीं बेच सकता, पर एक अमीर अपनी शराब की महंगी महंगी बोतलें बेच सकता है। वाह, जब भी मैं किसी मच्छर को मारता हूँ तो उसे टेबल पर रख देता हूँ, ताकि दूसरे मच्छर को भी पता चल सके कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। हेलो भाई, शराब मिल जाएगी आपके पास? नहीं, पूरे शहर में नशाबंदी है। तो ठेके पे रखी क्यों है शराब? इमरजेंसी के लिए है वो, अगर किसी को सांप बिच्छू काट ले तो उसको मिल सकती है। तो ये सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे? ये पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, और जब पति कहीं और जाके मरता है तब कहती हैं कहाँ मर गए थे सच में। डॉक्टर साहब, रोज रात को सपने में बैल बन जाता हूँ और घास चरने जाता हूँ, 4 दिन से परेशान हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है, सपना तो सपना है। परेशानी ये है डॉक्टर साहब, मैंने अपनी 4 रजाइयां चबा दी। कल हम बैंक गए तो कैशियर बोला क्या करोगे रुपया निकाल के, कहाँ खर्च करोगे, सब कुछ तो बंद है। तो हम कहे क्या करें, कल फिर जमा कर देंगे, घर बैठे मन नहीं लगा। भैया आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी लड़कियां इतना उपवास क्यों रखती हैं, तो मम्मी ने कहा पगले तू इतनी आसानी से कुछ थोड़ी किसी लड़की को मिल जाएगा। कसम से अंदर देवता वाली फीलिंग आ गई भैया। तुम लोगों ने गधा देखा है? गधा नहीं देखा है, खड़े हो जाओ। ए, खड़े हो जाओ। तो तुम लोग इधर उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। ये लोग हंस के लेस खड़ा हुआ। ये बताओ, अपने भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री के रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुरुजी पहले जवानन मेहरारू। बेटे पिछली बार तो फेल हो गया था, इस बार फेल हुआ ना तो मुझे पापा मत बोलना। बेटे क्या हुआ रिजल्ट का? सॉरी यार राजेश भाई, आपने बाप कहलाने का हक खो दिया। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? कल रात 11 बजे मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया, बोला देख तेरा भाई कोरोना की चुटकी वैक्सीन बनाएगा। मैं तुरंत समझ गया कहीं से इसको बोतल हाथ लग गई। पहले जब कोई कहता था कि मेरा बेटा विदेश से आया है तो पूरा मोहल्ला उसे देखने चला जाता था, लेकिन आपको ऐसा कह दे तो पूरा शहर खाली हो जाता है। पहले 12 बजे के बाद भूतों का राज चलता था, पहले 12 बजे के बाद भूतों का राज चलता था, लेकिन अब 12 बजे के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पबजी, इन सब का राज चलता है। लगभग देश के सभी राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हमें क्या पता ससुरम जिनको बेवड़ा समझते हैं वो अर्थव्यवस्था के 4th स्तंभ निकले।